मेरठ दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, चार लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। मेरठ जिले के सरधना तहसील क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से काफी देर तक मारपीट होती रही, इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई। खूनी संघर्ष होने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। इस बीच एक शख्स को गोली लग गई और कई लोग घायल हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक मारपीट करने वाले मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटने की जानकारी ली और जांच पड़ताल में जुट गई। सर्दने से चार लोग रेफर होकर आए हैं जो कि इंजर्ड हैं, जिसमें उनके सर में, हाथ में और पेट में जो है चोटें हैं। अभी उनको फर्स्ट एड देके एडमिट कर लिया गया है, बाकी कल सुबह और इन्वेस्टिगेशंस होंगे तो आगे जो है जो चीजें होंगी वो सामने आएंगी। कितने लोग आए रहेंगे? अभी चार लोग आए हैं। हालत अभी स्टेबल है, ठीक है, सब चीजें जो है वाइटल्स स्टेबल है, कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हों। बाकी तो उनको सबको फर्स्ट एड देके एडमिट कर लिया गया, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। खेड़ी गांव में मोंटी नाम के एक युवक को गोली लगने का प्रकरण सामने में आया है। वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है। इसमें एक पक्ष का ये भी कहना है कि छेड़छाड़ के चलते गोली चलाई गई है या अन्य चीजें हैं। इसमें अभी कई बिंदुओं पर कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें कि एक बिंदु ये भी है कि छेड़छाड़ का मामला ऐसे ही खड़ा किया जा रहा है, ऐसा दूसरे पक्ष का कहना है। एक पक्ष का ये भी कहना है कि गोली भी शायद किसकी तरफ से चली है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो ये मामला छेड़छाड़ का नहीं है, ऐसी बात तो बिल्कुल सामने आ रही है। अन्य बिंदुओं पर आवश्यक जांच की जा रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है और आगे जिसकी भी गलती होगी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करते हुए एसओ सरधना और सीओ सरधना को फिलहाल मौके पर भेजा गया है कि आसपास के लोगों से छानबीन करें और वीडियोग्राफिक बयान इत्यादि लें, जिससे कि सारा सच सामने आए। इसमें सत्यता के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।